मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यहाँ पे जमा है क्योंकि आप देख सकते हो एक सुंदर लाल गाड़ी हमारे सामने खड़ी हुई है। उसके बाजू में खड़े ये जेंट्स पार्टी और ये फीमेल पार्टी। तो हम जाते हैं सबसे पहले जेंट्स पार्टी के पास में, जो गाड़ी के पास में खड़े हुए ये गोरे इंसान जिसके गर्दन पे गमछा है, उन्होंने एक गाड़ी ली है टाटा नेक्सॉन। ये गाड़ी के ओनर है, इनके नाम है मिस्टर हेमांगो सर, इज अ डायमंड डायरेक्टर राइट नाउ। हम उन्हीं के मुंह से सुनना चाहते हैं कि आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं। सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मुझे बहुत अच्छा लगा ये गाड़ी लेके। एक्चुअली ये मेरा फैमिली का थर्ड कार है। एक्चुअली दो थर्ड कार होने से बावजूद भी दो कार बाय कर चुके हैं, लेकिन ये अचीवमेंट है, वही डिफरेंस है। और सोचा भी नहीं था इतना बड़े कार लेंगे, एचयूवी मॉडल लेंगे। तो खुद का मेरा ओनली स्कूटर है, तो खुद का नाम पैसे से लिया था। वही तक मेरा औकात था दो साल तीन साल पहले। अभी 100 आ गया 9.5 लाख का, अभी इतना औकात बढ़ गया। सर, इसको खरीदने के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, तेल साबुन खरीदा, टूथपेस्ट यूज़ किया। कई कई अलग कंपनी में टूथपेस्ट में नमक होता है, हम लोग का टूथपेस्ट में गाड़ी होती है। तो दुकान बदला। तो आप ये कहना चाहते हैं कि दंत मंजन करने से कार आता है? ठीक है, तो हम अभी मैम से सुनेंगे उनकी जुबानी कि कहीं लिपस्टिक लगाने से कार ना आ जाए। तो मैम क्या बोलते हो आप? गुड मॉर्निंग मैम। क्या बोलूँ, आज सपना पूरा हुआ। जो मैंने देखा था ये गाड़ी, मैंने अभी नहीं, एक साल पहले ये गाड़ी को मैं देखा था शोरूम में कि ये गाड़ी लेनी है जैसे भी लेनी है। तो तभी वेस्टिज का प्लेटफॉर्म भी था, जो सर आपने बोला कि लिपस्टिक लगाने से लाल का लंग रंग का लिपस्टिक लगाया, लाल रंग की गाड़ी आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि लिपस्टिक लगाने से और दंत मंजन करने से गाड़ी भी आता है, घर भी आता है और बीवी आता है क्या सर? बीवी आएगी एक दिन। आइए हम सुनते हैं हमारे जो लीडर है मिस्टर तरुण कुमार महेश्वरी सर, उनका क्या कहना है कि उनके टीम में अचीवमेंट हुआ है। सर, सर ये मेरी टीम के 76 नंबर कार है एंड आई होप कि बहुत वेरी सुन हम लोग 100 क्रॉस करेंगे। एंड आज की जो अचीवमेंट्स है ये जस्ट बिगनिंग ही कहूँगा मैं, कि आज से कुछ साल पहले जब व्यक्ति को शुरू किया था तो हमारे पास अपनी भी गाड़ी नहीं होती थी। आज टीम में 76 कार है और दो लग्जरी कार भी साथ में है, ये ड्यू टू पावर ऑफ निर्वाना वेस्टिज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत लोग इकट्ठा हुए एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही जगह में, और हम मूव करते हैं हमारे डायनेमिक क्राउड डायरेक्टर मिस्टर संजीव तालुकदार सर, आपका क्या कहना है सर? सुपर रॉकिंग सर, आपका एनर्जी नहीं आ रहा इसमें सर। वेस्टिज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म में लोग जो चाहे वो तो मिलेगा, जो नहीं चाहते वो भी मिलता है। पक्का सर? 100%। तो आप लोगों को जो नहीं चाहिए वो सोचिए, वो पक्का मिलेगा 100%। अभी मैं मूव करूंगा हमारे और एक लीडर है जयंत कुमार सर, यूसीडी सर, प्लीज आप कुछ कहिए। तो ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है लोगों का जो सपना एक एवरेज लोगों को अबव एवरेज या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है, वही ये ऐसा प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच सर। आज यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे यूथ इकट्ठा खड़े हुए यहाँ पे, ऑन द फीमेल साइड ऑल्सो ऑन द मेल साइड। आई रिक्वेस्ट द यूथ एनीवन कि आप यहाँ पे आज क्यों है सर, आपने इस प्लेटफॉर्म को क्यों चुना आज? दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया राइट नाउ, दैट्स व्हाई आई चोज दिस प्लेटफॉर्म। एंड यहाँ पे ग्रोथ देखा, ग्रोथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ है, इसलिए चुना। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात ये है कि लोगों का लाइफस्टाइल चेंज कर सकता हूँ मैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन लोग को भी इम्पैक्ट कर सकता हूँ, उससे मुझे आशीर्वाद मिलेगा और आशीर्वाद से मुझे पैसा मिलेगा और मैं आगे बढ़ सकूँगा। I request two of the dynamic youth leaders from Guwahati, Assam, Mr. Dhrubajyoti Das and Mr. Siddharth Bharat, to please come forward. Sir, आप दोनों दिखने में तो handsome हुई। Thank you, sir. Reason क्या है sir इस platform को join करने का sir? रीज़न वही है कि अपना लाइफ को चेंज करना है। पहले मैं तो एक जॉब करता था जिसमें मैं लगभग 10,000 की नौकरी कर रहा था, और उससे मेरा ड्रीम्स कभी पूरे नहीं होंगे। अभी इतना सारा ड्रीम्स मैंने मतलब फुलफिल करने के लिए मैंने सबको देखा है, आज महेश्वरी सर को भी देखा है, जयंत सर को भी देखा है, इतना अच्छा अच्छा गाड़ी लिया है, इतना अच्छा इनकम लिया है। तो मेरा भी यही आशा है कि आगे जाके मैं भी ऐसा कुछ काम करूं और मेरे साथ में 100 लोगों को अच्छे उन लोग को लाइफ
उन लोग को मतलब अच्छा करना है, वही मेरा एम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सुबह सर। गुड मॉर्निंग सर। राइट, एक ही रीज़न है, राइट, जॉब कर रहा था तो एक ही काम कर रहा था, जो जॉब करते हैं वो लोग करते हैं, टाइम अपना बेच रहा था, लेकिन बेचते तो व्यापारी है लेकिन व्यापारी अमीर नहीं होते। करेक्ट। वेस्टीज का प्लेटफॉर्म, राइट, वेस्टीज का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टाइम बेचना नहीं सिखाया जाता है, टाइम यूटिलाइज करना सिखाया जाता है। यहाँ पे आया, खुद का टाइम यूटिलाइज किया, राइट, क्योंकि जिस दिन आप खुद का टाइम यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, आप आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। करेक्ट सर। और वो रास्ता आपको देता है वेस्टीज, राइट। यस। कि वेस्टीज, आप लोग आज जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का हालत कैसा है, राइट, अगर एक ही दिन में 22,000 नौकरी जा सकता है तो आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहाँ रहा? तो दिस इज़ दी ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको अपना टाइम बेचना नहीं पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा। यूटिलाइज कीजिए और आपको जो चाहिए वो मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। समयू सर, फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू ऑल्सो। यस, एक्चुअली मैंने अभी पहले नौकरी किया करता था हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल टेक्नीशियन। तो वहाँ पे क्या होता था, ऊपर में एक बॉस रहता था, उनका जो डायरेक्शन है वही पे काम करना पड़ता था। तो मुझे एक फ्री फ्रीडम लाइफ चाहिए था और वो वेस्टीज ने दे दिया, और वहाँ पे सैलरी भी अच्छा था, 25 अराउंड आता था, लेकिन उसमें से मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा था। तो घर में भी पापा मम्मी दोनों नौकरी करता है, लेकिन नौकरी से सपना पूरा नहीं होता। तो सपना यहाँ पूरा होने का मैंने वो नजरिया देखा, तो वेस्टीज जॉइन कर गया। थैंक यू सो मच सर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई विश, यस मैम प्लीज। हो रहे हैं, तो आपने देखा, आपने सुना, आपने समझा कि आपको करना क्या है। बस एक वो स्टेप, इट्स ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप दैट इज द हार्डेस्ट, वो पहला स्टेप लीजिए, तो आप भी एक दिन इन दोनों की तरह अपनी ड्रीम कार अपने सामने पा सकोगे। दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।